हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल कुकिंग विद अलीजा। और आज हम बनाने जा रहे हैं वेरी डिलीशियस चिकन करी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज माय न्यू चैनल कुकिंग विद अलीजा लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए बनाते हैं चिकन करी। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, ये हमने 100 ग्राम के बराबर तेल लिया है और इसमें हमने सारे गरम मसाले डाले हैं। देखिए गाइस, ये है दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, तेज पत्ता एंड जावित्री और छोटी इलायची। इसको हम 1 मिनट तक गरम करेंगे ताकि जो गरम मसाले का फ्लेवर है वो हमारे तेल में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। गाइस, तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना कि आप चाहें। और ये हम 500 ग्राम्स चिकन बना रहे हैं, इसके लिए मैंने 100 ग्राम तेल लिया था। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन। ये हमारे 2 लार्ज अनियन हैं, इसको हमने फाइन चॉप किया हुआ है। गाइस, इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे क्योंकि सॉल्ट के बाद हमारा अनियन बहुत जल्दी से फ्राई होगा, क्योंकि हमें अनियन गोल्डन फ्राई करना है। मैं नॉनवेज हमेशा मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। ये अनियन हमारे अब गोल्डन हो गए हैं, तब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन डालें तो हमारी फ्लेम स्लो रहना चाहिए क्योंकि मिक्स करते टाइम हो सकता है कि अनियन जल जाए। Thank you.
अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। Now add 1/2 powder, salt by taste. अब हम इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। एंड गाइस जितना आपको पसंद हो, जितना आप तीखा खाते हो। एंड 2 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। नाउ ऐड ये मैंने काजू बादाम एंड टोमेटो का पेस्ट बनाया है, इसको भी हम डालेंगे 4 टेबलस्पून, जिससे हमारी करी बहुत ही सॉफ्ट एंड डिलीशियस दिखेगी। कंसिस्टेंसी गाइस हमारे खाने में जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक हमारा खाना देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर टेस्ट तो बाद में। अब हम इसको 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में बनाएंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से पक जाए, मीडियम टू स्लो। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ कर्ब। गाइस ये हम कोरमा बना रहे हैं, चिकन कोरमा। देखिए कितना अच्छा ग्लेज आया है। जब भी हम किसी ग्रेवी में कर्ड डालें तो हमें बराबर उसको चलाते रहना चाहिए, नहीं तो हमारा कर्ड फट जाएगा और ग्रेवी हमारी खराब हो जाएगी। ये हमारा इसमें अच्छे से दही मिक्स हो चुका है। अब इसका पानी सूखने तक हम इसको फिर ढककर पका रहे हैं।
गाइस, दही का पानी अब सूख चुका है, इसको हम अच्छे से भून लेंगे और हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से पक चुका है। जब हमारा चिकन अच्छे से पक जाता है तो हम लेग पीस से ट्राई करेंगे, देखेंगे कि ये जो हड्डी इसकी दिखने लगती है ना, बोन चिकन, देखिए ये बोन बिल्कुल अलग हो गई है इसकी, इसका मतलब हमारा चिकन पक चुका है। तो हम थोड़ी देर भूनेंगे, ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट, बिकॉज मसाला जो अच्छे से भूनता है तो नॉनवेज बहुत अच्छा बनता है। गाइस, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, देखिए तेल कितने अच्छे से ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, आपको जितना भी डालना हो, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, जस्ट थोड़ी सी ग्रेवी लूज हो जाए। इसको अब हम 2 मिनट स्लो फ्लेम में और बनाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम देखिए हमारी करी बिल्कुल तैयार है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए कितना अच्छा, कितनी अच्छी बनी है, काट देना। और हम इसमें ऊपर से डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हमारी करी अब रेडी है, चिकन करी, नाउ रेडी चिकन करी।